में भीनमाल के व्यापारी की हत्या। 24 वर्षीय सतीश कुमार की 1 करोड़ रुपए के लिए हत्या की गई। 21 जून को सतीश के पिता के पास कॉल आया था। बदमाशों ने सतीश से बात करवाकर मांगी थी 1 करोड़ की फिरौती। चीन के नंबर से व्हाट्सएप कॉल कर पैसे जल्दी देने की मांग की थी। पिता ने 50 लाख रुपए देने की बात कही, लेकिन वे नहीं माने। 24 जून के बाद किडनैपर्स और युवक का मोबाइल बंद रहा। चीन में रह रहे मारवाड़ी समाज के लोगों ने युवक की मौत के बारे में जानकारी दी। सांसद उबाराम चौधरी ने सतीश का शव मंगवाने के लिए मंत्रालय को लेटर लिखा है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर अपनी बात कही। दूतावास से संपर्क कर शव जल्दी भारत लाने और परिवार को न्याय दिलाने की मांग की है। और अब देखिएगा, बताया जा रहा है कि 1 करोड़ की राशि जिसकी वजह से एक व्यापारी जिसकी हत्या की गई है, अब भारत सरकार ने भी संपर्क किया है दूतावास से। संपर्क कर व्यापारी की हत्या के बारे में जानकारी जुटाई गई है और खासतौर पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्योंकि ये खबर सामने आई कि पहले 21 जून को सतीश के पिता के पास कॉल आया था, फिरौती मांगी थी 1 करोड़, और इसके बाद व्यापारी की हत्या की गई। व्हाट्सएप कॉल कर पैसे जल्दी देने की बात कही, यानी पहले धमकाया, डराया और फिर हत्या कर दी। किडनैपर्स और युवक का मोबाइल बंद रहा है। 24 जून के बाद से मारवाड़ी समाज के लोगों में रोष भी व्याप्त दिखाई दे रहा है। अब सांसद ने मंत्रालय को लेटर लिखा है, लेटर लिखकर पूरा स्पष्टीकरण इस मामले पर मांगा है और खासतौर पर संपर्क करने की बात कही है दूतावास से, ताकि व्यापारी की जो हत्या हुई है उसको लेकर के स्पष्टीकरण मिले। और अब जो हत्यारे हैं जिन्होंने पहले किडनैपिंग की वारदात को अंजाम दिया और फिर व्यापारी की हत्या चंद पैसों के लालच में की, उन तक पहुंचा जा सके, इसी वजह से उनसे संपर्क किया गया। ये तस्वीरें आई हैं, देखिएगा, दो तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर। एक 24 वर्षीय सतीश कुमार जिनकी हत्या की गई है, व्यापारी बताए जा रहे हैं, और दूसरी ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर जिसमें सांसद की ओर से भी मांग की गई है मंत्रालय को लेटर लिखकर। ये वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, दाएं तरफ जरा देखिएगा। इस लेटर के माध्यम से संपर्क कर शव जल्दी भारत लाने और परिवार को न्याय दिलाने की बात की गई है। परिवार जो कि इंतजार में था, लेकिन अब परिवार के साथ बेहद दुखद घटी। चलिए, सहयोगी लूणाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं जालौर से। लूणाराम, अब सबसे पहले तो बताइएगा, अब कब की ये पूरी घटना थी, इस मामले में अब तक क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है? पूरे मामले को लेकर जो जानकारी थी, जिसमें पहले उनके परिवार को, चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ। 21 जून को सतीश के पिता के पास कॉल आया था और अब तक की जानकारी है कि 24 जून को हत्या की गई है, यानी कि करीब 3 से 4 दिन बीत चुके हैं व्यापारी की हत्या हुए थे। अब इस बात की जानकारी जब परिवार की ओर से भी दी गई कि उन्हें फिरौती का कॉल आया था, उसके बाद हत्या की बात भी सामने आई है। सतीश से बात भी करवाई गई थी, नहीं पता था परिवार को भी कि ये आखिरी बातचीत होगी उनकी, और व्हाट्सएप कॉल किया था ताकि किसी भी तरह से कोई लीड पुलिस तक ना पहुंच। व्हाट्सएप कॉलिंग का इस्तेमाल कर फिरौती मांगी पहले किडनैपर्स ने। एक बार फिर हमारे साथ सहयोगी लूणाराम जुड़ गए हैं। लूणाराम, आप जानकारी दे रहे थे इस पूरी घटना को लेकर, कब की घटना है, क्या कुछ स्पष्ट इसमें हुआ? जो जानकारी सामने आई है, जिसमें जो व्यापारी है सतीश माली है, चीन में हत्या की जो जानकारी है वो सामने आई है। उनके परिजनों को कुछ दिन पहले सतीश की तरफ से फोन जब आया था, तो उस दौरान उसने ये आशंका भी जताई थी कि उसकी हत्या हो सकती है, और जो है वो अब हत्या की जो है वो जानकारी आई है। चीन में जो है ये भीनमाल का रहने वाला युवक जो कारोबारी है, वो चीन में अपना कारोबार करता था और वहीं रह रहा था, और उसी दौरान ये जानकारी अब निकलकर सामने आई कि उसकी हत्या की गई है। जो जालौर के सांसद है लुम्बाराम, उन्होंने बकायदा एक लेटर भी लिखा है इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार को, और केंद्र सरकार से इस पूरे मामले में मदद भी मांगी है। उन्होंने जल्द से जल्द एक तो जो सतीश का शव है उसे भारत लाने की मांग की है, और उसके साथ ही पूरे मामले में जो परिवार को न्याय मिल सके उसको लेकर भी जालौर सांसद लूणाराम चौधरी ने केंद्र सरकार से मांग की है। तो
भीनमाल के रहने वाले व्यापारी की चीन में जो हत्या की जो जानकारी सामने आई है, जिसके बाद से ही पूरे इलाके में जो है वो गमगीन माहौल है। परिवार का जो है वो रोकर बुरा हाल है। जैसे ही व्यापारी की हत्या की जानकारी मिली, उनके पूरे परिवार के तमाम जो सदस्य हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। और ये कहें कि उनके परिवार को न्याय मिल सके, उसको लेकर जो है वो जालौर सांसद गुमाराम चौधरी ने जो है वो केंद्र सरकार से मांग। बिल्कुल लोडाराम, अब देखने लायक रहेगा। सांसद ने तो अपनी ओर से लेटर लिखा है, लेकिन केंद्र का रुख इस पर क्या रहता है, कब संपर्क किया जाता है और कब परिवार को न्याय मिलता है। बहुत शुक्रिया लोडाराम आपका साथ जुड़ने के लिए जानकारी के लिए।